कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है। अब ये बुद्ध एस्पिरेंट के रूप में, यहां आईएएस के रूप में, लेकिन इन दोनों के बीच में ये कड़ी है, त्याग की, तपस्या की, साधना की, ध्यान की, प्राणायाम की, और ये 99% लोगों में मिसिंग है, और यही असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं जानता हूं आप सब परेशान हैं, आपको दिशा नहीं मिल रही है, कोई जगाने वाला नहीं मिल रहा है। तो नौजवान क्रांति का जो अगला चरण है, उसका जो प्रोग्राम है ब्लूटूथ, उसका यही उद्देश्य है, खुद से कनेक्ट होकर फिर बाहर से कनेक्ट हो जाओ, अपना विकास करो, अपना उत्थान करो। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को कई सारे सवाल पूछने थे ब्लूटूथ प्रोग्राम के बारे में। ब्लूटूथ का जो प्रोग्राम है वो नौजवान क्रांति का अगला भाग है। ये नौजवान क्रांति का ही हिस्सा, लेकिन ये नौजवान क्रांति का अगला भाग है, और उसका उद्देश्य है श्रमण आंदोलन को भारत में प्रोत्साहित करना। श्रमण, अब दो शब्द हैं, एक श्रमिक, एक श्रमण। श्रमिक मतलब जो बेहोशी में मेहनत कर रहा है, 6 साल से तैयारी कर रहा है, 7 साल से तैयारी कर रहा है, प्री ही नहीं निकला, मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। सन्यासी, कुछ बनने से पहले बुद्ध भगवान है, राम भगवान है, कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है। बुद्ध राजकुमार के रूप में, राम राजकुमार के रूप में। राजकुमार से भगवान की जो दूरी इन लोगों ने तय की, उसके बीच में ये है, यही था भारत का सन्यासी आंदोलन, यही था भारत की जान। अब ये बुद्ध एस्पिरेंट के रूप में, यहां आईएएस के रूप में, लेकिन इन दोनों के बीच में ये कड़ी है, त्याग की, तपस्या की, साधना की, ध्यान की, प्राणायाम की। आज के भारत ने क्या किया, इस बीच की कड़ी को छोड़ दिया, उसको सीधे राजकुमार से भगवान बनना है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और इसी चरण में कोच की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, पढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ दिशा देने के लिए। इसी चरण में निराशा पैदा होती है, हताशा पैदा होती है, क्रोध आता है, डिप्रेशन होता है, कोई साथ में नहीं होता, बस एक आदमी होता है, गुरु या कोच। इस फोटो पर विचार करिएगा, पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। पर एक आश्रम था संत महात्माओं का, कई सारे सिद्ध महापुरुष वहां रहते थे। तो उस आश्रम के एक पेड़ पे तोतों का एक परिवार भी रहता था। तो उसमें से तोता बड़ा क्यूरियस होता था महात्माओं को देखकर, देखता रहता था, मंत्र पढ़ते सुनता रहता था, बहुत सारे मंत्र उसने खुद ही याद कर लिए। महामृत्युंजय का जाप करने लगा, गायत्री मंत्र पढ़ने लगा, गीता के कई श्लोक याद कर लिए। एक दिन आश्रम में उन महात्माओं से मिलने के सेठ जी आए, और तोता बैठा ऊपर मंत्र पढ़ रहा था, क्योंकि जान लेने के बाद दिखाने की प्रवृत्ति होती है सब में। सेठ जी ने कहा, पकड़वाओ यार, तोता बड़ा शानदार है। तोता पकड़वा लिया गया, तोता पहुंच गया पिंजरे में। ज्ञान भारी पड़ गया। राज्य के राजा का जन्मदिन था, जगत सेठ ने सोचा कि यार इतना प्यारा तोता मंत्र पढ़ता है, श्लोक पढ़ता है, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या।
उन्होंने तोता को ले आके दे दिया राजा को। राजा ने तोता को सोने के पिंजरे में रख दिया। ज्ञान अगर सही दिशा में ना हो तो बंधन बन जाए, कारावास, दर्द। एक बार राजा ने भागवत कथा पढ़ाई, तो पंडित जी आए भागवत कथा पढ़े। और भागवत कथा होने के बाद जब कथा का अंत हो तो कहे हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए। और जैसे पंडित जी बोले हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए, तोता पकड़ ले, कहे पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी को बहुत बुरा लगा कि यार ये सबके सामने कह रहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। फिर दूसरे दिन पंडित जी आए, फिर उसने कहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। फिर तीसरे दिन जब कथा खत्म हुई और पंडित जी ने कहा हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए, बोले पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी तो बेचारे बहुत टेंशन में आ गए, यार ये बहुत बदतमीज आदमी है यार। तो पंडित जी ने जाके अपने गुरु से कहा कि राजमहल में एक तोता और राजा का प्रिय तोता, कुछ कह भी नहीं सकते। और जब मैं कथा के अंत में कहता हूं हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए, कहता पंडित जी झूठ बोल रहे। गुरु ने कहा ठीक है, ऐसा करो कल जब तुम कथा करने जाना तो मुझे बताना, मैं भी चलूंगा। गुरु जी भी पहुंचे, गुरु जी गए और तोते के कान में उन्होंने कुछ कहा। फिर गुरु जी चले गए। गुरु जी ने कहा पंडित जी से कि अब आप बोलो, आप ये परेशान नहीं करेगा। तो फिर अगले कथा पंडित जी ने कही, फिर उन्होंने कहा हरि बोले मुक्ति होए, ज्ञान मिले मुक्ति होए। अब की बार तोते ने कुछ नहीं कहा। भागवत कथा खत्म हुई, तोता कुछ बोला ही नहीं। पंडित जी बड़े हैरान हुए कि गुरु जी ऐसा क्या बोल दिया इसके कान में। खैर जिस दिन भागवत कथा खत्म हुई उसके दूसरे दिन तोता जो है सुबह पिंजरे में पड़ा हुआ था। देखा लोगों ने, हिलाया डुलाया हिला ही नहीं, लोगों को लगा मर गया। राजा को बुलाया गया, राजा ने भी हिलाया डुलाया। तो राजा ने कहा भैया इसे ले आके बाहर छोड़ा। जैसे ही बाहर छोड़ा वो ओढ़ के पेड़ पे पहुंच गया। ओढ़ के पेड़ पे पहुंच के डाल पे बैठ के बोला कि हरि बोले मुक्ति भले ना होए, ज्ञान में बोले ज्ञान मिले मुक्ति भले ना होए, गुरु मिले मुक्ति होए। ये फेस कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है। ये सन्यासी, सन्यासी मतलब घर छोड़कर भागने वाला नहीं। डिसिप्लिन, प्रायोरिटी, गोल। और ये 99% लोगों में मिसिंग है और यही असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। पढ़ने लिखने से आप हवाई जहाज में ट्रेवल करो, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं बैठते हैं। और वो बेचारी एयर होस्टेस कितनी बार बोलती है, ओपन द विंडो, क्लोज द ट्रे टेबल, स्ट्रेटन योर चेयर, सीट बेल्ट लगाओ। फिर बाद में आके सबको सीट बाय सीट बोलती है कि प्लीज सर क्लोज योर ट्री टेबल। सबसे पढ़े लिखे लोग वहां बैठते हैं। फिर प्लेन लैंड किया, जैसे ही लैंड करके रनवे पर पहुंचा कई लोग खड़े होते कि भैया, वो चिल्लाती रहती सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज। अरे सर को समझ में आए तब तो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इंडियन प्लेन्स में एयर होस्टेस नहीं होनी चाहिए, बाउंसर्स होने चाहिए। खड़े हुआ मारा बड़ाक से 4 फुट नीचे। तो इस धारा को फिर से जिंदा करना है। आप इस दौर से गुजर रहे हो लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, अप्रोच नहीं मिल रही। पढ़ा तो सब रहे, हिंदुस्तान तो टीचरों का देश है, एक से एक टीचर है, बड़े बड़े टीचर, यार टीचरों की तो कमी ही नहीं।
लेकिन एक आदमी जो आपको डेली जगाए उठाए बताए ऐसा करना ऐसा करना, उसी उद्देश्य से ये शुरू किया गया ब्लूटूथ का प्रोग्राम। 501 रुपए फीस पर महीना, 10 फरवरी से शुरू हो रहा है पहला सेशन। जिन लोगों ने 10 फरवरी तक एडमिशन ले लेंगे, 11 फरवरी के बाद जो एंटर करेगा उसको 1100 रुपए देना पड़ेगा। 6 महीने बाद फीस बढ़ जाएगी और 1 साल बाद इस प्रोग्राम का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। 4 दिन क्लास चलेगी हर सप्ताह में। मैंने पिछली बार भी कहा था मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा, प्रोग्राम नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने दिल्ली में ही नहीं हूं, तो खैर हर जगह लगभग कैमरा और स्टूडियो की व्यवस्था है। और प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि प्रोग्राम सुबह 5 बजे से होगा, 5 to 7, 1 घंटा ध्यान योग और 1 घंटा क्लास। पर डे मैं आपको बताऊंगा आज क्या करना है, आज क्या शेड्यूल बनानी है, आज कैसे करना है। मतलब ये पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है डायरेक्शन और अप्रोच। पांच से सात, 1 घंटा ध्यान योग, 1 घंटा पढ़ाई, सिर्फ एनसीईआरटी, कोई नोट्स नहीं, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं। आपका आज का प्रोग्राम छूट गया, छूट गया, उसका कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, कोई नोट्स नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। 10 फरवरी से जो पहली एनसीईआरटी शुरू होगी वो है मॉडर्न इंडिया, विपिन चंद्रा क्लास 12th, 10 फरवरी विपिन चंद्रा क्लास 12th पहली एनसीईआरटी। ये पूरा था प्रोग्राम का स्वरूप, सुन लीजिए टर्म एंड कंडीशन, फिर एडमिशन लीजिएगा। डायरेक्शन और अप्रोच के केंद्रित है ये प्रोग्राम, सिर्फ डायरेक्शन और अप्रोच। पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, सब। कोई नोट्स नहीं मिलेगा, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा। 5 से 7 प्रोग्राम होगा, सुबह 5 बजे, 5 से 6 योग और ध्यान, 6 से 7 क्लास। और इस धारा को रिवाइव करना है, बिना तपे, बिना गले, बिना मरे इस स्टेज पे कोई पहुंचेगा ही नहीं। आप इंडिया में कोचिंग करो, इलाहाबाद में करो, दिल्ली में करो, लंदन में करो, न्यूयॉर्क में करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास, सर प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, सर मुझे बता दीजिए, सर ऐसा कर दीजिए। मैं जानता हूं आप सब परेशान है, आपको दिशा नहीं मिल रही है, कोई जगाने वाला नहीं मिल रहा है। तो नौजवान क्रांति का जो अगला चरण है, उसका जो प्रोग्राम है ब्लूटूथ, उसका यही उद्देश्य है। आप यहां पे हैं, राजकुमार है, अब आपको तपना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। और योग और ध्यान का जो प्रोग्राम है वो 7 दिन चलेगा। वो तो 7 दिन चलेगा, फिर यहां पहुंचना है। ये भारत की सबसे बड़ी विधा थी, सबसे बड़ी। इसलिए पश्चिम को भारत के सन्यासियों को बदनाम करना है किसी भी तरह से, क्योंकि उनको पता है कि जिसने सन्यास की कला समझ ली वो सुपरमैन। ये बात पश्चिम को पता है कि जिसने भारत में सन्यासी की कला पकड़ ली वो सुपरमैन, सुपरमैन, सुपर ह्यूमन, गॉड। तो उन्होंने कहा कि इस विधा को डिस्टर्ब करो, लोगों को दिग्भ्रमित करो।
राम को जो समझ गया वो भगवान हो गया, महर्षि वाल्मीकि। इसीलिए तो आजकल रामचरितमानस पे बड़ा बवाल है। पहली बार इतिहास में सबको मौका है रामचरितमानस पढ़ने का, पहली बार। और जो राम को समझ गया वो भगवान। तो जब सब पिछड़े गरीब भगवान हो जाएंगे तो राजनीति किस पे होगी? पहली बार इतिहास में मौका है सब पढ़ने का, रामचरितमानस पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कोई बोलने वाला ही नहीं। तो फिर समाज का वो जो शासक तबका, उसको लगा कि अरे ये तो सब पढ़ लेंगे, ये तो सब महर्षि वाल्मीकि से, ये सब महर्षि वाल्मीकि जैसे हो जाएंगे, रैदास जैसे हो जाएंगे, संत दादू जैसे हो जाएंगे, तो इनको रामचरितमानस ही ना पढ़ने दो। ये है नौजवान क्रांति 2.0 का मेन प्रोग्राम ब्लूटूथ। खुद से कनेक्ट होकर फिर बाहर से कनेक्ट हो जाओ, अपना विकास करो, अपना उत्थान करो। 10 फरवरी सुबह 5 बजे मिलेंगे। जय हिंद।